मैच मेकिंग भाई, अरे एकदम मैच मेकिंग। भाई ब्राइटर्स, अरे गुड मॉर्निंग, गाइज एक कांड हो गया। पता क्या सीन हुआ, रोटेट वाला वो जो तुम लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कोशिश करूँगा वैसे मैं उसको हाइड कर दूँ कैसे ही लोगों को लगा के, बाकी वो दिख जाएगा। तो क्या ही बोले, अब वहाँ पे मैं लोगों ही लगाऊंगा वैसे, तो होपफुली उससे तुम लोग परेशान मत होना, इग्नोर कर देना उसको बिल्कुल। तो गाइज तुम लोग में कितने KGF 2 देखी है, उसमें तुम्हें सस्ता KGF देखना है देखो। आप पता है डर होना चाहिए और वो अभी दिल में होना चाहिए। तो एक तो भाई आसिफ के टीममेट, उसको बेचारे को डायलॉग कंप्लीट करने नहीं दे रहे, बोले जा रहे पीछे से मान जाओ। अरे वाह, डर आ गया भाई दिल में। अब देखो हीरो के मन में क्या चल रहा होगा, डैमेज बढ़ाऊं कि हील करूं। डैमेज बढ़ा लेता हूं, नहीं नहीं हील कर लेता हूं, कोई ठोक दिया तो स्प्रे तो वैसे ही नहीं है मेरा, हील कर लेता हूं। डैमेज भी तो बढ़ाना है, ब्राइट वे को बोलूंगा कैसे मैंने खेला था करके। सरी यार मारने का मौका ही नहीं दिया भाई M500 से। अरे प्रतीक रुक जा भाई, तू गया धनु, तू गया भाई, उसके पास डबल स्प्रे खत्म। एक नॉक है यार उधर, एक नॉक है, एक से क्या होगा भाई। मेरा नाम है ब्राइट हीरो, मैं सीधे सीधे भगते जा रहा था और मुझे ऊपर से मानिया ने हेडशॉट मार दिया, लेकिन गाइज बहुत ही निर्दयी तरीके से ख़त्म कर दिया। काफ़ी बुरा लगा गाइज, ना ही सीधे किस भगे ऐसे और ना ही किसी और को भगने दें, जनहित में जारी। अब समय आ गया तुम्हें प्रो गेम प्ले देखने का। तो गाइज पहले राउंड में तो मैं USP लेता हूँ, पता क्यों, लोग मुझे हैकर कह देते हैं, M500 को अभी चारों पांचों को हेड ही मार देता हूँ मैं। एक दिन तो भाई CS में 10 बंदे खेल लेते हैं अपोनेंट, फिर मैंने मार दिया M500 से सबको हेड, फिर वो लोग हैकर वैकर बोलने लगे मेरे को। यार क्या बोल सकते हैं ऐसे, हेटर्स ही बहुत ज़्यादा हो गए गाइस। अब हेटर्स बोलेंगे कि फेक रहो, अरे घंटा भाई फेक नहीं रहा हूँ, जो देखा वो देखा, क्या कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पहला रेड नंबर, ये कौन, ओ माई गॉड, ओनली रेड ही मार, वो पीले नंबर इग्नोर मार देना। ये कौन था भाई इतना, भाई ये तू मान जा, इतना कवर ले रहा है, क्रोनो अलग चला लिया भाई, मानेगा नहीं, कंफर्म करके, ये भी इसको कंफर्म करके ही मान रहा था। यहाँ पे जाके मैंने पूरा तकड़ा ही हेड दिया था, ओनली रेड नंबर, जहाँ पे पड़ गया बोर्ड। ये क्या क्लिच हो गया भाई, हेड मारो यार डेजर्ट ईगल से, मरते ही नहीं बंदे, हेड 20 का डैमेज आ रहा है डेजर्ट ईगल से, डिलीट मार दूंगा फ्री फायर, ऐसी हरकतें होंगी और तो क्या कर सकते हैं भाई। कौन नॉक पड़ा है, अच्छा हीरो, हीरो की कहानी देखो, काफ़ी ट्राई किया बचाने के लिए हीरो को, लेकिन बेचारा क्रोनो के अंदर वो कन्फर्म करके ही माना। फिर मैं रश करने गया तो लेजर ने ढांप लिया मेरा किल, कोई बात नहीं होता है। देखो आसिफ भाई को रिएक्शन देना चाहिए कहाँ से कहाँ, तो भाई आसिफ भाई अपने मीम वगैरह के बारे में बात करते हैं, लैंड करा दो मीम वाले के बारे में, क्या बोले भाई। अब ऐसा कांड करोगे फिर तुम्हारा प्लस नहीं हो पाएगा ग्रैंड मास्टर हरकतों से, लग रहा है तुम्हें फिर माइनस ब्रोंजी पहुँचोगे फिर बार बार आने लग जाएंगे, इसलिए ढंग का रिएक्शन दे दिया करो, हम कौन सा डेली लगाते रहते हैं यार। हद है यहाँ पे आसिफ भाई, जो मेरे को शक हो गया था डेजर्ट ईगल से 3-4 को हेड मार, ऐसे कैसे, एक को तो चलो लग गया, हीरो तो हीरो को लग गया था हेड, सबको कैसे हेड लग गया, अब देखना तुम लोग, बहुत भयंकर ही हेड मार रहे थे। कंट्रोल कंट्रोल, अरे यार पीछे से भी आ गया भाई, क्या किस्मत है भाई साहब। अरे भाई क्या बंदे हैं यार, ये अलग ही छुपे हो भाई, भाई पूरा पीछे पीछे से आ रहा है। गाइज यहाँ पे मेरा नेटवर्क 10-10+ हो गया था, जिसकी वजह से मैं मर गया था। तो मैं सोचा यार अब लेजेंड की ID लॉगिन करने की बारी आ गई, तो यार वही उनके बस की तो है नहीं यार कुछ, गजब बेइज्जती है। क्या कर सकते हैं हम तो बोट है। क्या भाई यार हेड लग जाता था यार, रिफ्लेक्स को मारना पड़ेगा, कैसा कैसा कोई भी सोचता है कैसा मारना देता है, कोई कहता है मेरा कुछ हो गया मेरा कुछ हो गया, वो सीधा कह रहा है भाई हेड लग जाना था यार, भाई गन की गलती यार, हेड लग क्यों नहीं लगा यार। गज कभी मैं रस करने जाता हूँ ना, हुकोंग वगैरह तो बनता नहीं हूँ मैं, शेर की तरह जाता हूँ। अच्छा बहन के लिए गाइज मैं बताना चाहूँगा आपको, लेजेंड हमारे गिल्ड का बहुत ही अंडररेटेड ग्रेनेडर है गाइज, आप उसका ग्रेनेड देखो एक बार, कसम से फैन हो जाओगे। ये देखो देख रहो, ऐसा ग्रेनेडर चाहिए अपने स्क्वाड में, अपने स्क्वाड बर्बाद करने के लिए। अब काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं गाइज मेरे को MP5 में इतना रेड नंबर कैसे मार लेता हूँ गाइज, तो टिप्स एंड ट्रिक्स देने का टाइम आ गया। ये देखो कैसे मारता हूँ 5-6 हेडशॉट, कट कर देना प्लीज़।
यार ये कभी भी 10-10 प्लस चला जाता है। हट यार पैसा ही नहीं है भाई, इतना पैसा भी नहीं है। सबका एक किल ही कर ले लिया भाई, कोई भेदभाव नहीं भाई। सामने उन दोनों ने 5-3 नहीं भाई, ये भाई आसिफ भाई को कोई समझाओ भाई, चारों आईडी से कौन खेलता भाई? आज तक ये लोग को मालूम ही नहीं है मेरे बारे में, क्या बताएंगे। 8 किल करके बैठा हूँ अकेले, हद है भाई। ये आसिफ और एक और बंदा था धानु करके भाई, ये दोनों मेरे को टारगेट कर रहे हैं भाई। जाओ वो हीरो और इस राइट में वाले घर में छुपे पड़े, उनको मारो रस करके। क्या यार लोकेशन बता देता हूँ आसिफ भाई, यार तुम यार समझते नहीं हो। ये देखो बेचारा 150 इसने मार दिया, 150 उसने मार दिया। गुस्सा ही लग गया था गाइस, मेरा तीसरी आँखें खुल गई रहती है यहाँ पे। आसिफ की खुशी देख रहे हो बेचारे की, कह रहा है अब तो एक राउंड जीती हूँ मैं, वैसे ही कम बैक मारूंगा ओम ओम से मार के। भाई इसे नहीं पता कि भाई मुझे पता नहीं था दो दो बंदे ओम चला रहे थे, वरना मैं सीधे रेडी मार देता दोनों को। क्या बताएगा इनको, कोई बताओ हमारे बारे में। यहाँ पे देखो बेचारा जीना हराम कर दिए थे सब। मैंने सोचा ये दोनों मेरे पे एम लेके बैठे हैं भाई, उधर से रस मार दो, लेकिन इनसे रस हो नहीं रहा था भाई। यहाँ पे वो डैमेज भी दिया था, मैंने सोचा मार्क भी कर दिया था शायद, इधर जाओ रस मार दो भाई। क्या बोला जाए इनसे रस होने से रहा तो, यहाँ पे रिफ्लेक्स दिमाग लगा रहा था इधर आके भाई। बेचारा ये देख रहे हो इसकी हरकतें, सोच रहा था मुझे ओम से मारेगा, काफ़ी बुरा लगा इसके लिए और उसके बाद खुद के लिए भी। देखो भाई बेचारा यार कन्फर्म करने उतरा था यार, अद यार। ये देखो भाई बॉल कहाँ लगाया इसने, मानिया ने। मानिया भाई ये दिमाग कहाँ से लाते हो भाई, दो दो क्लू डाल दिया भाई। यार 20% हो गया चार दिन में, चला मैं नीचे गया। हेल्प मी, ऊपर किस लगे? अच्छा वो मैं नहीं जा पाया भाई, नहीं बॉय नहीं। अरे भाई ये आते साले तीन तीन बंदे एक साथ आते हैं भाई, गलत बात है यार ये। अरे धनु धनु इधर आ रहा, तुम तो ऊपर चलो यार। अरे यार एक और नंबर क्या है ये भाई, घास तोड़ दे भाई, अब कोई नहीं आएगा, तोड़ दे भाई। क्या मांग, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। अरे बेटी 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 को नहीं, बेटी तेरे को ले ना यार, ऐसा करे डबल किल। हट यार, यार एक को ने मारा तुम तो भाई, क्या ही प्रो प्लेयर। कौन सा राउंड है ये, भाई कौन बेहूदा बंदा था भाई ये साइथ वाला, बड़ा गुस्सा लगा था भाई। और वो तो ठीक है आसिफ उधर ही छुपा था, और मैं गया क्रोनो में दौड़ के कवर लेने, आसिफ भग गया उधर से, उसे सोचा होगा 200 HP। हीरो को देखो भाई क्या ही प्रो प्लेयर है, मैं सोचा भाई बचा ले कैसे कैसे, तो इसने बचाया और ये वाला राउंड भी हम जीत गए थे। तो ऐसे ही हम लोग 3-1 के लीड में आ गए थे गाइस। बॉर्डर निकालना पड़ेगा, वैसे वो वाला मीम यूज करना नहीं चाहता, लेकिन भाई ने बोला क्वार्टर निकालना पड़ेगा तो करना चाहता हूँ। लौड़ा यहाँ पे देखना लेजेंड नोबड़े को, मैं सोचा था ये कौन बंदा था जो पीक देके मारा था। देखो एक बार वो हेडशॉट है, मौको देखो और यहाँ पे लेजेंड नोबड़ा नॉक हो गया था, तो ये राउंड भी हम हार गए। देखो कितना बुरा हार गए थे हम लोग, फिर ही सैड गाइस। अबे तो चूती है क्या धनु यार, अब मैं क्या करूँ। मेरा तो हेडशॉट से डाउन है भाई, कोई कंफर्म करने गया मैं और ये बॉय कब आ गया। तो गाइस होपफुली तुम लोग को मजा आया होगा इस वाली वीडियो में, ये आखिरी राउंड चल रहा था और मैं खोज रहा था किसर से शिकार करूँ, क्योंकि तुम्हें पता ओनली रेडी मारता हूँ मैं। यहाँ पे लेजेंड नोबड़ा नॉक होने का, फिर मैं आके बढ़ा तो भाई कौन स्नाइपर किंग बन रहा था इधर। फिर यहाँ पे गाइस मल्ली रेड नंबर सामने सामने से मारता हूँ भाई, ये कौन था भाई, एक ये बंदा मेरे पीछे ही पड़ गया था भाई, मान जा। ये देख लो क्रोनो भाई, भाई भाई दो तीन भाई क्या कवर दे रहे थे यार ओपी, लेकिन उन्होंने क्रोनो डाल के गलत कर लिया पता है। हीरो नोबड़े से आधे घंटे से मर नहीं रहा था बंदा, आखिरी में कैसे न कैसे एक मिनट की मदद से मार गया, पीछे से कवर दे दिया इसने। तो यार क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे भाई कौन कंफर्म कर रहा है भाई, भाई ये ग्लिच हो गया अपने आप ही कंफर्म हो रहा है, गन गन ही चल जा रही थी गाइस।
भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे डैमेज चेक कर रहा था कंफर्म करने के बाद। हरामी आदमी हो गई। कोई ना गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब मार देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।